इंडेक्स में क्या हो गया सर? निफ्टी ने तो सारी गेन्स अपनी गिव अप कर दी है, एकदम फ्लैट हो गया, और निफ्टी बैंक भी बस अब 100 पॉइंट ही ऊपर है। भरोसा नहीं है बाजार पर? ज्यादा ऊपर खुल गया ना दीप, इसलिए प्रॉब्लम वो है कि अगर इतना गैप से नहीं खुलते 150-200 पॉइंट ऊपर, तो इसलिए सुबह जब खुल रहा था तो इसलिए हम कह रहे थे कि वहां खरीदने का मन है नहीं। 14,450 के पहले तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद भी वहां देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। तो पॉइंट ये कि जो रेंज खरीदने की है वो अब आई है सही, 14,250-14,350 की रेंज है, वहां से आप थोड़ा सोचेंगे तो हड़बड़ी नहीं है। और दूसरी तरफ 14,500-14,575 जो वो परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग, और आज आपने सुबह देखा होगा ना स्ट्रेटेजी में 14,475 से 14,525 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए। आज देखिए आज का हाई 14,550 का ही है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा खराब है माहौल, कोई ऐसा भी कुछ बिगड़ा नहीं है, निचले स्तरों पर भी होल्ड कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दोनों तरफ होती दिखेगी। और ये होने की वजह दीप एक ही है, एक तरफ जहां कोरोना से जिस तरह की फाइट चल रही है और अब पूरा एक्शन गवर्नमेंट की तरफ तेजी से होता दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस बना रहा है, दूसरी तरफ आंकड़े ज्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, इस तरह के माहौल में है ना कोई भी दो दिन के लिए पोजिशन ओपन रखना नहीं चाहता, कल की छुट्टी है परसों फिर आएंगे, और इस बीच में ग्लोबल मार्केट्स थोड़े कमजोर हो गए तो, और आंकड़े कोरोना के बढ़कर आए तो, ये जो डर है ना कहीं दिमाग में पीछे वो है ना जाता नहीं है, और यही वजह कि ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। दूसरा ये, कल आपने एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े भी इतने मजबूत देखे हैं, उन सबको देखते हुए आज इतना जोर से बढ़ना बनता नहीं था, लेकिन चूंकि बढ़ गए, काफी देर होल्ड भी किया, अब वापस नीचे आ रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, रेंज के निचले स्तरों पर आपको फिर से सपोर्ट भी मिलेगा खरीदारी का, और आपको रिकवरी भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ खराब हो जाने वाला है आज के सेशन में, वैसा नहीं दिखता। तो दोनों तरफ के ट्रेड है, इसे एंजॉय कीजिए, इसे फॉलो कीजिए, और नहीं तो फिर शांति से देखिए मार्केट, आराम से एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, एक बात तो है, दोनों तरफ के ट्रेड्स भरपूर हैं बाजार में, और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी है, इंडेक्स पर तो उतार चढ़ाव है ही, पर ढेरों स्टॉक्स आपको दोनों तरफ के मौके भी दे रहे हैं।